सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये महोदय श्री सुधांशु पटेल जी, मैं बाबूराम सैनी मेरठ उत्तर प्रदेश से हूं तथा मेरी पत्नी आंगनबाड़ी में है और हम दोनों आपकी वीडियो रोजाना सुनते हैं जो हमें काफ़ी सच्ची सूचना मिलती हैं। और अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जीवन बीमा में लोगों की सेवा पिछले 21 वर्षों से दे रहा हूं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी को अपनी पॉलिसी से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो जानकारी मेरे निम्न मोबाइल नंबर पर सलाह ले सकता है। तो ये बाबूराम सैनी जी का, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से आते हैं, नंबर भी है 9837355631। तो 9837355631 ये नंबर है भाई का। जिनको भी अगर कोई जानकारी भारतीय जीवन बीमा से रिलेटेड लेनी है तो उसमें अपना ले सकता है, किसी भी तरह की पॉलिसी से जुड़ी हुई। तो फिलहाल के लिए एक बढ़िया मौका है जो भी भाई बहनों को कुछ जानकारियां पता करनी हो। अब चलते हैं अपनी मेन खबरों की तरफ और आपको बताना चाहेंगे, एक भाई हैं जो कि संजय पांडे हैं, आलमनगर बादशाह खेड़ा जो लखनऊ में पड़ता है वहां से आते हैं। इनके एक बड़े भाई हैं वो लापता हो गए हैं और भाई ने यह भी कहा है कि सांसद जी का लेटर पैड लगाने के बाद भी पुलिस शांत बैठी हुई है और अभी तक गुमशुदा की तलाश नहीं कर पाए हैं। आप देख सकते हैं ये सुब्रत पाठक हैं जो कि संसद सदस्य हैं लोकसभा में कन्नौज उत्तर प्रदेश में। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जनपद लखनऊ को एक ये लेटर भी लिखा गुमशुदा की जल्द से जल्द तलाश कराए जाने के संबंध में। नीचे उन्होंने लिखा भी कि संलग्न प्रार्थना पत्र श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री दीप नारायण पांडे निवासी और यहाँ पर बादशाह खेड़ा आलमनगर थाना ताल कटोरा जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। 20 नवंबर को इनके पति घर से बाहर गए हुए थे जो घर वापस नहीं लौटे हैं, जिसके बाद से इनके द्वारा काफी तलाश के बाद भी कोई पता नहीं लग सका है। उक्त संबंध में इनके द्वारा थाना पर प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है, अतः आपसे अपेक्षा है कि पत्रवाहक के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन करके उक्त मामले की जाँच करके गुमशुदा की जल्द से जल्द तलाश कराए जाने में इनकी सहायता करने का कष्ट करें। तो सुब्रत पाठक सांसद जी का के लेटर भी जारी हुआ इस बारे में। बावजूद इन चीजों के भाई का कहना है कि पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है और छानबीन नहीं कर रही है। ये उनके बड़े भाई हैं जो कि लापता हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो है लापता हैं। अगर किसी भाई बहनों को ये दिखते हैं कहीं पर भी इनके बारे में जानकारी है तो प्लीज ऑल इंडिया को ही जानकारी साझा कर दें। पुलिस ना सही, कम से कम हम सब जो भी कर सकते हैं तो वो तो कर ही सकते हैं। तो गुमशुदा की तलाश है। दीप नारायण पांडे इनका नाम है, पिता का नाम इनके जो है रामकरण पांडे था, उनका स्वर्गवास हो चुका है। पता इनका जो है 544/749 बादशाह खेड़ा आलमनगर मोहान रोड राजा जी पुरम लखनऊ। उम्र इनका 53 वर्ष है और जो है हुलिया जो है गोरे कलर के हैं ही, बाकी सब आपको पता ही है। पहनावा जींस शर्ट में थे। गुम होने का जो दिनांक है वो 20 नवंबर है। पिछले महीने 20 तारीख को गुमशुदा हुई है और अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब 22 नवंबर को जो है उक्त के संबंध में थाना जो है यहां पर ताल कटोरा में गुमशुदी दर्ज कराई गई। अब समझ लो 22 नवंबर को गुमशुदी दर्ज हो गई, उसके बावजूद जो है वहां पर उनको 8-9 दिन वो मिले, प्लस इधर 12 दिन हो गए और अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गुमशुदा दीप नारायण पुत्र स्वर्गीय रामकरण जो दिनांक 20 नवंबर से घर से लापता है, जिस भी सज्जन को पता चले तो निम्न पते पर फोन नंबर दिया गया सूचित कर दें। तो यहां पर रिपोर्ट करता संजय पांडे का मोबाइल नंबर जारी करता बालेंद्र सिंह जो है उनका नंबर, प्रभारी निरीक्षक थाना ताल कटोरा के उनका नंबर, तो तीन नंबर दे दिए गए हैं। चाहो तो इन नंबर पर सूचित कर दो या सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑल इंडिया को ही सूचित कर दो और उनके परिवार तक ऑटोमेटिक चैनल के थ्रू जानकारी पहुंच जाएगी। तो मैं फोटो एक बार और दिखाना चाहूंगा क्योंकि कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे कोई भी हो, और अगर अपने घर पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हो सकता है काफी दिक्कतें होती लोगों के सामने, कई कारण बन जाते हैं कि जो है घर लोग नहीं पहुंच पाते। कभी मान लीजिएगा पैसे चोरी हो जाए या कहीं दूर चले जाए या कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो अगर आवाज उन तक जा सकती है तो पहुंचाने का कष्ट करें। अब आगे बताना चाहेंगे, हमारी बहन है सरला सिंह, हरदोई से आती हैं। बहन ने 1000 रुपए का सहयोग दिया है हमारे लिए आईपैड के लिए और साथ ही साथ बहन ने यह भी कहा है कि इसको दिखाया भी जाए ताकि और भी जो बहनें हैं वो भी थोड़ा मदद करें इस समय हमारी।
तो इसके लिए जो बहन ने कहा था कि इसको दिखाया जाए, बाकी और इसलिए नहीं कि वो नाम चाहती है, वो इसलिए उन्होंने कहा है कि और भी बहनें मदद करें जैसे उन्होंने की है। तो फिलहाल के लिए जिन भी बहनों को अगर मदद करनी है तो हमारे व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हैं, नंबर दे दिया जाएगा, अकाउंट नंबर, डिटेल्स वगैरह, और आप हमारे आईपैड के लिए भी मदद भेज सकती हैं। वहीं पर अपना कोर्ट के लिए भी मदद के लिए मैंने आप सबसे कहा था, जानकारी सब दे दी गई है, उसके लिए भी मदद भेजनी है, उसके लिए भी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको पर्सनल जानकारी भेज देंगे। और जो है बाकी पैसा भेजने के बाद जो कोर्ट के लिए आप भेजें उसका स्क्रीनशॉट और पता वो सब सुनील भाई को जरूर व्हाट्सएप कर देना, उनको नोट करवा देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका नाम भी उनको लिखना है और भाई को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तमाम बहनों के नाम लिखना वो करना, उनसे उनका पता पूछना, बहुत दिक्कतें हो जाती है, काफी लोग बड़ा लेट बताते तो और टाइम लग जाता है। इसीलिए देखो आज दिन भर के जो भी बहनें होंगी कोर्ट के लिए जिन्होंने भी सपोर्ट किया होगा उन सभी बहनों की लिस्ट रात में भाई तैयार कर लेंगे और सुबह तक हमको भेज देंगे। तो आज जो 12 तारीख के जो भी होंगे कोर्ट में जो भी भाई बहनों ने सहयोग किया होगा उनका जो भी नाम है उनका कल जो है हम 13 तारीख में सुबह में लगा देंगे, अगर शाम में आ जाएगा, नहीं तो सुबह फिर अगले वाले वीडियो में आ जाएगा। तो ऐसे चीजें आ जाएंगी। ये कुसुमा बहन है लखीमपुर खीरी से आती, जिनके द्वारा अपने वहां से एक फोटो भेजी गई थी, खबरें अरेंज नहीं कर पा रहे इस वजह से आपको बीच बीच में ऐसी भी खबरें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जो मेरठ के हैं इनको एक लेटर दिया गया है कोटेदार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र हेतु खाद्यान्न न देने के संबंध में। निवेदन है कि ग्राम नगला सेखू ब्लॉक रजपुरा, इसमें 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनको कोटेदार द्वारा बच्चों में वितरण हेतु गेहूं व चावल हर 3 महीने सरकार द्वारा कोटेदार के माध्यम से दिया जाता है। आंगनबाड़ी हेतु खाद्यान्न का चालान कोटेदार द्वारा अपनी दुकान संख्या पर स्वयं निकाला जाता है। जो खाद्यान्न कोटेदार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को दिया जाना था वह निम्न प्रकार था, जुलाई अगस्त सितंबर 2021 में लगभग 6 क्विंटल था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 में लगभग 6 क्विंटल था, जनवरी फरवरी मार्च में लगभग 6 क्विंटल था, अप्रैल मई जून में लगभग 6 क्विंटल था, उपरोक्त महीनों का लगभग 24 क्विंटल समस्त खाद्यान्न आज तक आंगनबाड़ी के 3 केंद्रों को नहीं दिया गया है, जिस कारण लाभार्थी बच्चे खाद्यान्न से वंचित रह गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जो कोटेदार व ग्राम प्रधान ने मिलकर के 4 बार के आंगनबाड़ी केंद्रों के समस्त खाद्यान्न का घोटाला कर लिया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के खाद्यान्न की त्वरित जांच करा करके उपरोक्त पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का कष्ट करें। 5 दिसंबर को एक लेटर डीपीओ महोदय को वहां लिखा गया है। प्रार्थी विनोद मलिक जी है, पुत्र स्वर्गीय श्री सुखपाल सिंह जी, निवास ग्राम नगला सेखू पोस्ट जो है कस्तला, और ब्लॉक इनका रजपुरा थाना जो है इचौली तहसील मेरठ जिला मेरठ से उनके द्वारा किए। यहाँ पर डीपीओ को एक ये जानकारी वहां साझा की गई है। जिला कार्यक्रम यानी जिला अधिकारी को डीएम को उन्होंने दिया है मेरठ के। अब शायद इसको वहां पर इसको उन्होंने डीएम ने शायद डीपीओ को आगे फॉरवर्ड किया होगा। तो इस बारे में अपना डीपीओ को भी दें, डीएम को भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहरी लोगों का भी इसमें सपोर्ट चाहिए होता है, इस वजह से डीएम को देना बहुत ही जरूरी था। अब आगे देखो, सुनीता सिंह जी हैं बाराबंकी से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई, बच्चे उनके वहां पर पढ़ रहे हैं, काफी बहनें हैं जिनके वहां बहुत से बच्चे आते हैं। मुन्नी बहन है शाहजहांपुर से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई थी, और एक बहन है सुधा सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा भी फोटो भेजी गई थी। और आगे ले चलते हैं, जैसा कि अनीता बहन है फतेहपुर से आती हैं, फतेहपुर से उन्होंने 8 दिसंबर को जारी एक ये लेटर डीपीओ महोदय का फतेहपुर में भेजा है, जो कि सीडीपीओ लोगों को सुपरवाइजर लोगों को फतेहपुर में भेजा गया था कि आकांक्षी जनपदों में स्वास्थ्य एवं पोषण तथा शिक्षा के निर्धारित सूचकांकों में प्रतिवेदित जो है प्रगति का सत्यापन करने के संबंध में है। और विस्तार से आपको बताना चाहेंगे, लिखा है कि जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या दी है 651, जो कि 17/11/22 को निकली थी। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विषयक आंकड़ों की सत्यता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है, आइडेंस साइट वगैरह नामक संस्था को नामित किया गया है। तो ऐसे ही उक्त संस्था की टीम द्वारा स्वास्थ्य विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग इनके आंकड़ों का सत्यापन किया जा चुका है। 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आंगनबाड़ी केंद्र का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का कार्य भी किया जाएगा। और ऐसे में उनका कहना है कि अपनी परियोजना के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के जो अभिलेख हैं उनका परीक्षण करा लें। यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र के अभिलेख में किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर अपूर्ण है तो उन्हें भी सही करा लें और पूर्ण कर लें। साथ ही जो है यहां पर आइडेंस लाइट वगैरह शायद लिखा हुआ है, टीम से समन्वय स्थापित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के सत्यापन के समय टीम के साथ उपस्थित रहते हुए सत्यापन कार्य में सहयोग प्रदान किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है।
तो आगे ले चलते साहब यादव हैं डीपीओ, उनकी तरफ से एक ये आया है। और दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर एक और लेटर था प्रेमलता बयाने आगरा से, जिनके द्वारा भेजा गया था। ये लेटर उतना साफ नहीं है और ऊपर से मोबाइल में दिखता भी नहीं है, तो इस वजह से और दिक्कतें, छोटी सी स्क्रीन में देखना। महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन से निदेशक महोदय को लेटर 7 दिसंबर को इसी महीने अभी अभी भेजा गया था। और लेटर है ICDS योजना के अंतर्गत जनपद औरैया है, शायद आजमगढ़ है, बहराइच है, बाराबंकी है, बदायूं है, इटावा है, फतेहपुर है, ललितपुर है, कन्नौज है, महाराजगंज है, महोबा है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, श्रावस्ती है, सोनभद्र है, उन्नाव है और अलीगढ़ है, अमेठी है, बिजनौर है, हरदोई है, लखनऊ है, प्रतापगढ़ है, आगरा है, गोरखपुर है, हमीरपुर है, बांसी झांसी है और मैनपुरी है, संत कबीर नगर है और सिद्धार्थनगर है। इनके 134 बाल विकास परियोजनाओं में यहाँ पर लिखा गया है कि SHG शायद, और यहाँ पर शायद और कुछ लिखा हुआ है, माइक्रो एंटरप्राइजेस शायद ऐसे ही होगा, इनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी बेस्ड टेक होम राशन के उत्पादन एवं वितरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अग्रिम धनराशि के लिए भुगतान की अनुमति देने के संबंध में है। तो इस बारे में भी यहाँ पर लेटर था, पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है लेकिन वही पढ़ने में नहीं आ रहा है, बहुत सी दिक्कतें हैं जिस वजह से इसको हम छोड़ रहे हैं। आगे आपको कुछ और दिखाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन, इसको लेकर के भी एक आर्टिकल औरैया में जो है प्रकाशित हुआ था, राधा बहन ने भेजा था, निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार ने इसके बारे में जानकारी मांगी है। कोशिश यही है कि जनवरी से बच्चों को गर्म भोजन मिल जाए। कामनी बहन है कानपुर देहात से, जिनके द्वारा एक ये भेजा गया था, छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान, लखनऊ से यह खबर प्रकाशित हुई थी। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ को इसके लिए निर्देश भी दे दिए हैं। छूटे बच्चे गर्भवती महिलाओं को ढूंढने के लिए सर्वे भी कराया जाएगा, इसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ था। आगे बताते हैं, एक और हमारे पास ये लेटर था सेवा में, आदरणीय सुधांशु भैया जी नमस्ते, 7 दिसंबर को ये हमारे पास बीनू देवी बहन है, उन्होंने भेजा था, जिला इनका सीतापुर है, मैं कार्यकर्ती बीनू देवी, ब्लॉक शायद महोली है, जिला सीतापुर है, मेरे पास दूसरे केंद्र का चार्ज भी है, मैं केंद्र पर जाकर के गतिविधियां भी करती हूँ लेकिन चार्ज वाले केंद्र की बच्चों की प्री किट नहीं भेजी गई है, ऐसा क्यों है, वहां भी तो बच्चे पढ़ते हैं और क्या उन्हें ये सब पाने का हक नहीं है, कृपया बताने का कष्ट करें। तो बिल्कुल हक है, अब वही चीजें हैं भ्रष्टाचार और ऊपर से यहां पर ध्यान ना देना, लापरवाहियां बरतना, यह हमारे विभाग में बहुत ही चरम सीमा पर चल रहा है। जबकि सोचो, चाहे बहने भले ही वहां पर जो है चार्ज पर हो लेकिन वहां पर बच्चे तो हैं, सही बात है बहन का कहना, और उनके लिए पढ़ने की जो सामग्री है वो भी तो उसके हकदार हैं। अब कार्यकर्ती अगर सेंटर पर तैनात नहीं है तो वो सरकार के विभाग की कमी है कि उन्होंने वहां पर तैनाती क्यों नहीं दी है, वो विभाग सरकार की कमी है कि उन्होंने भर्ती क्यों नहीं निकाली, वहां पर आखिर सहायता यानी जो कार्यकर्ता है वो क्यों नहीं है। आपने चार्ज दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां की सुविधाओं से आप बच्चों को वंचित कर देंगे। तो बच्चों को प्री स्कूल किट भी मिलनी चाहिए, बच्चों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है, और ये उनसे छीना जा रहा है इस तरीके से, तो ये गलत है। तो इस बारे में ऑल इंडिया यही कहना चाहेगा कि उनका भी बच्चों का अधिकार है और उनको भी वो दिया जाए। आगे देख सकते हैं, टीकाकरण को राशन डीलर लेखपाल से मांगा गया है सहयोग, तो बिजनौर से ही एक मैटर था टीकाकरण वगैरह में, इन सबसे सहयोग लिया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी एक ये प्रकाशित की गई थी। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को भाइयों बहनों हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।